गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ मैट्रिक्स, ईगन वैल्यूज़। ईगन वैल्यूज़ इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। आपके लिए एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, फाइंड द ईगन वैल्यूज़ एंड ईगन वैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स ये बने ए इक्वल्स टू 8 माइनस 6 और 2, 6, 7 और माइनस 4, 2, माइनस 4 और 3। फाइंड द ईगन वैल्यूज, फाइंड द ईगन वैल्यूज। बेसिकली ईगन वैल्यूज जो होती हैं वो आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स होती हैं। ईगन वैल्यूज आपके पास क्या होती है? करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के रूट। और आप किसी भी मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू किसके रख दो आप? जीरो के। यानी आप किसी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई है उसका डिटर्मिनेंट निकालिए और उसे किसके इक्वल रख दीजिए? जीरो के। तो ए माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? ए तो आपकी गिवन मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 8 माइनस 6 और 2 माइनस 6, 7 माइनस 4, 2 माइनस 4 और 3। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको क्या करना है? आइडेंटिटी ए माइनस लैम्डा, यानी आपको अब क्या निकालना है? लैम्डा आई। लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आई वाली मैट्रिक्स के अंदर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैम्डा की मल्टीप्लाई 1 से करिए, लैम्डा लैम्डा इंटू 0, लैम्डा इंटू 0 0, लैम्डा इंटू 0 0, लैम्डा इंटू 1 लैम्डा, लैम्डा इंटू 0 0, लैम्डा 0 0 और लैम्डा। अब आपको क्या निकालना है? ए माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा आई का मतलब क्या है? मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट, तो 8 में 8 माइनस लैम्डा, माइनस 6 माइनस 0, 2 माइनस 0, माइनस 6 माइनस 0, 7 माइनस लैम्डा, माइनस 4 माइनस 0, 2 माइनस 0, माइनस 4 माइनस 0 और 3 माइनस 0। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन के आई? ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 8 माइनस लैम्डा, माइनस 6, 2 माइनस 6, 7 माइनस लैम्डा, माइनस 4, 2 माइनस 4 और 3। ये जो आपकी मैट्रिक्स बन के आई है, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या कहलाएगी? करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इन शॉर्ट, अगर हम इस काम को हम शॉर्ट में करना चाहें, अगर हमें करैक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालनी है तो जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं 8, 7 और 3, उसमें से लैम्डा को माइनस कर दीजिए, बाकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स हमारी एज इट इज रहेगी। देख लीजिए, चाहे आप 8 माइनस लैम्डा, 7 माइनस लैम्डा और 3 माइनस लैम्डा, बाकी हमारी पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपकी एज इट इज रहेगी, बाकी पूरी मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है? अब आपको क्या करना है इसका? फाइंड ईगन वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा को किसके इक्वल रखना है? जीरो के। तो सबसे पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा। डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था? प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, यानी 8 माइनस लैम्डा। फिर आपका क्या है? माइनस 6, तो माइनस का 6। फिर क्या है आपका? 2, तो यहाँ पे क्या उतरेगा आपका? 2। जब आप फर्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे तो उसके नीचे का हेड हो जाएगा, उसके साइड का हेड हो जाएगा, तो 7 माइनस लैम्डा और माइनस का 4 और माइनस का 4 और 3 माइनस लैम्डा। जब आप माइनस 6 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा और ये कॉलम हेड हो जाएगा, तो माइनस 6 और 2 माइनस 4 और 3 माइनस लैम्डा। जब आप 2 के लिए एंट्री करेंगे तो उसके नीचे 2 के नीचे का हाइड हो जाएगा, 2 के साइड का हाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस 6 और 2, 7 माइनस लैम्डा और माइनस का 4। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, बीच में माइनस का साइन, माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ, फिर माइनस 6 की मल्टीप्लाई 3 माइनस लैम्डा के साथ और फिर 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ।
फिर -6 की मल्टीप्लाई -4 के साथ, और फिर 2 की मल्टीप्लाई 7 माइनस लैम्डा के साथ, बीच में क्या आएगा आपका माइनस। करिए सॉल्व इसे, 8 माइनस लैम्डा तो बाहर आपका इधर इधर रहा, 7 3 21, 7 की माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करी -7 लैम्डा, माइनस लैम्डा की 3 से मल्टीप्लाई करी माइनस का 3 लैम्डा, और माइनस लैम्डा की माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करी प्लस का लैम्डा स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा, -4 की -4 से मल्टीप्लाई करी प्लस का 16, वहाँ ब्रैकेट में -6 × -6 प्लस का 6 हो जाएगा, -6 की मल्टीप्लाई 3 से करी -18, -6 की मल्टीप्लाई माइनस लैम्डा से करी प्लस का 6 लैम्डा, बीच में माइनस का साइन आएगा, -4 की 2 से करी माइनस का 8, माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस का 8, प्लस का 2, -6 की मल्टीप्लाई -4 से करी प्लस का 24, बीच में माइनस का साइन आएगा, 2 7 14, प्लस का था माइनस का हो गया 2 × -λ, -2λ, बाहर माइनस है तो प्लस का 2λ। इसको सॉल्व कर लीजिए, आप 8 − λ तो आपका बाहर चली रहा है, 21 में से 16 गया कितना बचा आपका 5, -7 − 3 माइनस का 10λ और प्लस का लैम्डा स्क्वायर, प्लस का 6, -18 + 8 हो गया आपका माइनस का 10, प्लस का 6λ, प्लस का 2 आपका एज इट इज, 24 में से 10 14 गया आपका कितना बचा 10 प्लस का 2λ। अब आपको क्या करना है, इस 8 की मल्टीप्लाई इन तीनों एलिमेंट से होगी, फिर -λ की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी, तो 8 5 40, 8 की -10 से करी -80λ, 8 की लैम्डा स्क्वायर से करी प्लस का 8λ स्क्वायर, -λ की 5 से करी माइनस का 5λ, -λ की -10 से करी माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10λ स्क्वायर, -λ की प्लस लैम्डा स्क्वायर से करी -λ क्यूब, 6 की -10 से करी माइनस का 60, 6 की 6 से करी 36λ, 2 की 10 से करी 20, और 2 की 2 से करी कितना हो गया आपका 4λ। और जब आपको इसको सॉल्व करना हो, सबसे पहले लैम्डा की हाईएस्ट पावर -λ³, माइनस का λ³। अब लैम्डा स्क्वायर कितने हैं यहाँ पे, 8 और 10, कितना हो गया आपका 18, प्लस का 18λ स्क्वायर, लैम्डा वाली क्वांटिटी कितनी है -80 − 5, तो -85 तो ये हो गया -85, और 36 + 4 प्लस के 40 हो गया, तो -85 + 40 माइनस के 45λ। अब 40 − 60 − 20, और -20 + 20 कितना हो गया आपका 0, प्लस का 0। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a − λi को आप किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, यानी -λ³ प्लस 18λ स्क्वायर माइनस 45λ इक्वल टू किसके रख दो आप इसे, 0 के। हाईएस्ट पावर जो इसमें लैम्डा की होती है वो कभी नेगेटिव नहीं रखनी होती है, तो आप पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -λ³ कितना हो गया +λ³ प्लस 18λ कितना हो गया -18λ स्क्वायर, और -45λ कितना हो गया प्लस का 45λ इक्वल टू कितना हो गया 0। ये जो आपकी इक्वेशन बन के आती है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बन के आई, ये इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यानी सबसे पहले हमने करेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स फाइंड की थी, और अब हमने क्या फाइंड किया है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन के अब आपको क्या करने हैं, फैक्टर। इसके जो फैक्टर होंगे वही फैक्टर आपके क्या कहलाते हैं, ईगन वैल्यूज। अब जब आप इसके फैक्टर करने चलेंगे, आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, लैम्डा, तो लैम्डा मैंने कॉमन ले लिया, लैम्डा स्क्वायर -18λ प्लस के 45 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। लैम्डा की जितनी मैक्सिमम पावर यहाँ पे है, यहाँ पे लैम्डा की मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास, 3 है, तो यानी आपके इसके 3 ईगन वैल्यू।